क्या बजरंगबली, गणपति जी या कोई और देवी देवता आपको दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के बाहर या अपनी गाड़ी के अंदर क्या रखना चाहिए, इस बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और ये है हमारा यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, क्या दरवाजे के ऊपर आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी या कोई भी और देवी देवता की मूर्ति या फोटोग्राफ किसी भी रूप में क्या आपको लगानी चाहिए? जो भी मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगी ना, ये पूरी तरह से मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार भी बताया था कि मुझे 24 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स लोगों से बात की है, मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स की है और यहाँ पर आज जो मैं आपसे बातें बता रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ अलग बोलना है, हटके बोलना है, नहीं, ये मेरा खुद का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, जो उनका एक्सपीरियंस देखती हूँ, उसी के बलबूते पर मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। मैं खुद एक क्रिस्टल बॉल गेजर हूँ, पेंडुलम डाउजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। तो सबसे पहली बात देखिए, हर बार ये कहा गया है और मैंने भी ये कहा था कि भगवान का जो स्थान होता है, देवी देवता का जो स्थान होता है, वो हमेशा एक ही होता है। यानी कि आपके घर का जो मंदिर या पूजा स्थान है, वहीं पे आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो जाती है और जब भी आप वहाँ पे बैठ के पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको जो फीलिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो रिस्पेक्ट भी मानी जाती है। देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था मेरे पहले के एपिसोड में कि देवी देवता के किस प्रकार से आपको मूर्तियाँ या फोटोग्राफ रखनी चाहिए या आपका घर का मंदिर कैसे होना चाहिए। उस बारे में आप और जानकारी देखना चाहते हो तो उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप रख के पूजा करते हैं तो आप कोई भी मूर्ति के रूप में या फोटोग्राफ के रूप में आप उसको दरवाजे के बाहर किस प्रकार से लगा सकते हैं। आप यही सोच के लगाते ना कि आपका साउथ फेसिंग का दरवाज़ा है या साउथ फेसिंग नहीं है, तो दरवाजे के बाहर आपको लगता है कि ये एक प्रोटेक्शन है कि आपने भगवान की वहाँ पे मूर्ति लगा दी या फोटोग्राफ लगा दी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप वहाँ पे रखते हैं तो क्या वो डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, अनादर नहीं हुआ भगवान का? क्योंकि एक तो वो ऊंचे स्थान पे आप उनको हर बार देखेंगे नहीं, पूजा जो आपको करनी वो हमेशा एक ही जगह पे करनी है, वो बाहर रहेंगे तो वहाँ पे धूल मट्टी बारिश धूप सब कुछ लगेगा, तो एक प्रकार से तो वो अच्छी बात नहीं हुई ना। दूसरी बात ये कि क्या अगर आप बाहर लगाते हैं तो आपको क्या लगता है कि भगवान सिर्फ वहाँ पे ही होंगे या आपके घर के पूजा स्थान में होंगे, बाकी किसी जगह पे भगवान नहीं है? आप चाहे मूर्ति की स्थापना या फोटोग्राफ करें या ना करें, दरवाजे के बाहर भगवान तो फिर भी हर जगह पे हैं, वो तो हमारे अंदर भी हैं। केवल आप भगवान का नाम भी लेते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, तो भगवान हमेशा ही आपके साथ हैं। तो ऐसे अगर बोला जाए तो आपको हर कोने में फिर तो भगवान लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको जो पूजा करनी चाहिए वो कायदे से एक्चुअली भगवान के मंदिर में ही बैठ के करनी चाहिए और वो प्रॉपर रिस्पेक्ट होती है। अगर आप दरवाजे के बाहर लगाना ही चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्शन वहाँ पे देना है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही है पूरी तरह से, मैं आपको ये फ्रैंकली बात बता दूं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, सिंबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओम लगा सकते हैं, स्वास्तिक लगा सकते हैं, तोरण आप सुंदर सा लगा सकते हैं, दरवाजे को आप सुंदर बना दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो भी देखिए आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही रहेंगे। रही बात कि दक्षिण मुखी दरवाज़ा लेना चाहिए या नहीं, उस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एक अगला वीडियो आने वाला है, तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब मैं बात करूँगी, क्या गणेश जी या कोई भी भगवान की फोटो या मूर्ति आपको दरवाजे के अंदर सामने की तरफ रखनी चाहिए? हाँ, आप वो रख सकते हैं, बाहर के लिए मैंने आपको मना किया है, लेकिन अंदर आप रख सकते हैं। जैसे कोई भी आपके घर में एंटर करेगा तो अगर आई लेवल पे आपने गणेश जी या कोई भी भगवान देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, अगर वो आपने सामने रखी तो वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे शर्त ये है कि आपको पूजा वहाँ पे नहीं करनी, पूजा आप करेंगे केवल अपने घर के मंदिर में ही। वैसे तो मैं बोलूँगी कि आपको दरवाजे के सामने भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करें, लेकिन आपके घर में एंटर करता है तो उसके जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही आप सामने दर्शन करते हैं भगवान के या गणेश जी के या जो भी आप सामने रखते हैं, जैसे ही वो आई कॉन्टैक्ट वहाँ पर होता है तो इमिजिएटली वाइब्रेशन वो बहुत अच्छे हो जाते हैं।
जाते हैं। तो जैसे ही कोई घर में आपके एंटर करेगा तो ऑटोमेटिक उनके वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसे में आप आई लेवल पे अंदर की तरफ ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन बाहर दरवाजे के ऊपर आप अवॉइड करें। ऐसे में जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हैं, मूर्ति अच्छी लगती आप रख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक एपिसोड में कहा था कि मैं लाफिंग बुद्धा रखती हूँ, मुझे लाफिंग बुद्धा रखना बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरे हिसाब से कि देवी देवता का जो स्थान है वो एक ही जगह पे होना चाहिए। सामने मैं लाफिंग बुद्धा रखती हूँ और एक मैंने ओम की फ्रेम लगा दी ताकि जैसे आप एंटर करो तो सामने वो दिखाई दे। दरवाजे के बाहर मैंने एक छोटा सा ओम लगा के रखा है और जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो मैं सुंदर सुंदर तोरण लगा देती। अब रही बात गाड़ी की, क्या गाड़ी में देवी देवता आपको लगाने चाहिए? अगर आप लगाना चाहते तो वहाँ पे आप लगा सकते, क्योंकि वो एक स्थान अलग हो गया। वहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, उड़ते हुए हनुमान जी को वहाँ पे ऊपर टांग देते हैं। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो वो पूरी तरह से मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो स्टेबल होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए, पूरा ध्यान आपका ड्राइविंग के वक्त होना चाहिए, एक सेकेंड भी इधर उधर आपका मन भटकना नहीं चाहिए। अगर आप अपने सामने ऐसी कोई चीज़ या हनुमान जी उड़ते हुए लगाते हैं ऊपर की तरफ तो उसका भी मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो ऐसे में जो आपका माइंड है उसमें भी मूवमेंट आने लग जाएगा, क्योंकि जैसा आप देखेंगे वैसे ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा। तो आप अपने डैशबोर्ड पे छोटे से गणेश जी, हनुमान जी या जो भी आप भगवान को मानते हैं आप वो वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में एक यहाँ पे सजेशन आपको ज़रूर दूंगी कि एक छोटी सी छतरी जो होती है ना ऊपर से उनके आप ज़रूर से लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब आप डैशबोर्ड पे रख रहे हैं तो जब आप गाड़ी पार्क करके आते तो वहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप छोटी सी एक छतरी आप ज़रूर से लगा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपका इमोशनल कनेक्ट भी है, तो आप छतरी वहाँ पर लगाएँ। धूल मट्टी आप ना लगने दें, जब भी आप कार में बैठे तो उनके आगे हाथ जोड़े और बोले कि जो भी अब मैं कार ही चलाऊंगा तो आप ही मेरी रक्षा करना, आप ही मेरे साथ रहना, और हमेशा उसको टाइम टू टाइम आप साफ करते रहें। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा व्हाट्सअप या फेसबुक के थ्रू, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो पाए। चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नीचे देख रहे हैं ना रेड कलर का बटन, वहाँ पर आपको प्रेस करना है, उसके पास में एक बेल बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, इससे जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा। मेरे दूसरे दो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।